ये देखिए बाउंड्री बनाने के लिए लकड़ियों का यूज किया गया है। तो अभी दोस्तों इस वक्त हम लोग जो 24 नर्सरी जो गांव है इसके जस्ट हम लोग नॉर्थ साइड की तरफ है उत्तर। बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी कि कब हम 24 नर्सरी में पहुंचे दोस्तों, तो आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अतुल ब्लॉग्स में। दोस्तों इस वक्त हम है महाराजगंज जनपद के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, एक बहुत ही खूबसूरत गांव में। जो ये ऐसा गांव है दोस्तों कि आज 5G के ज़माने में भी दोस्तों यहां पर आपको 19 की जो माहौल था, यानी 19वीं शताब्दी की जो माहौल थे गांव में, जो चीज़ें फिर देखने को मिलता था, बिल्कुल वैसे के वैसे ही सारी चीज़ें आज भी यहां पर मौजूद है दोस्तों। यहां पर ना आज के ज़माने में ना यहां पर लाइट है, फिर भी यहां पर लाइट की दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ना पहले के ज़माना में, यहाँ पर आज के करंट टाइम में 5G चल रहा है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि ना पूछिए। ऐसा लगता है कि बिल्कुल 19 के ज़माने में, यानी 19वीं शताब्दी में हम चले गए हैं दोस्तों। बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी कि कब हम 24 नर्सरी में पहुँचे दोस्तों, तो आज फाइनली ये ड्रीम जो है कम्प्लीट हुआ है। इस गाँव में आकर के ऐसा लगा कि 19वीं शताब्दी में चले गए। यकीन मानिए दोस्तों, जब कभी आप भी आएँगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यार दुनिया कितना ग्रोइंग तेज़ी से निकल रही है, लेकिन आज भी यहाँ पर अपनापन, पुराने ज़माने का जो माहौल था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप खुद फील करेंगे। तो यही कुछ था दोस्तों, ये ड्रीम पूरा कंप्लीट हुआ। थोड़ा थोड़ा आपको इस गांव का व्यू दूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको बता दूँ कि ये गाँव जो है, ये जो है ग्राम सभा कबेलवा में पड़ता है दोस्तों, और यहाँ का जो ब्लॉक है मिठौरा में पड़ता है दोस्तों। इसके नियर अराउंड में देखा जाए तो बस एक अकेला सिंगल यही गांव है, और इसके दूर दूर तक पूरा जो फॉरेस्ट एरिया यही है दोस्तों। सो आप चलिए आपको यहाँ का थोड़ा बहुत जो खास कर टॉपिक्स है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये दुनिया से हाइड ही रह कर रहे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको पूरा दिखाते हैं इस गाँव की क्या खासियत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं गांव का जो माहौल है कुछ ऐसा है। ये है इस गांव का ग्राम पंचायत, और जस्ट इसके फ्रंट में अभी देख रहे हैं ये है प्राथमिक विद्यालय, जहां पर इस गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं दोस्तों। तो इस समय ऐसा माहौल है। तो अभी दोस्तों इस वक्त हम लोग जो 24 नर्सरी जो गाँव है इसके जस्ट हम लोग नॉर्थ साइड की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से आपको पूरा यहाँ का व्यू देते हैं दोस्तों। ऊपर से आप देख सकते हैं कि इस गांव के जस्ट नियर अराउंड में जो भी खेत हैं वो किस तरह दिख रहे हैं, और ये जो अभी आप गांव का लोकेशन देख रहे हैं ये दक्षिण साइड का गांव जो है, इधर का जो माहौल है ऐसा कुछ है। तो गाइस देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 90s यानी 19वीं के जो घर हुआ करते थे, बिल्कुल कच्चे मकान, बिल्कुल वहाँ ऐसे ही फील हो रहा था यहाँ पर आने के बाद से दोस्तों। आगे बस थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा कंटिन्यू आपको दिखाते हैं हूँ। सो यहाँ तक की ड्रीम जो थी, जर्नी जो थी, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको 24 नर्सरी देख करके एक अच्छा लगा होगा। रास्ते होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे, और आगे अभी आगे आपको थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई दोस्तों ये देखिए, बाउंड्री बनाने के लिए लकड़ियों का यूज किया गया। इस तरह की लकड़ी हम लोग के यहाँ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा लकड़ी की यहाँ पर थी है, यहाँ पर इतने मोटे मोटे लकड़ी से बाउंड्री बनाया दिया गया कि यहाँ से लोग कुछ भी चीज़ें जो है, आदमी से लेकर के कोई भी जीव जंतु खेत में ना जा सके। यहाँ की फसलें भी देखिए कितना खूबसूरत है। थोड़ी ही दूर पे जंगल, और उसके बीच में गेहूं की फसल भी बोई गई है दोस्तों। ये चीज़ें देखने में इतना खास लग रहा है, क्या बताएं। तो इस रास्ते होते थोड़ा सा हम लोग आगे निकलेंगे, और आगे भी चलिए आपको थोड़ा सा टूर देते हैं।